अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मटन दही पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। जो भी खाएगा ना, खाता ही चला जाएगा, उंगलियां चाटते रह जाएगा, इतना मज़े का बनता है। चलें जी, आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले जी, 1 किलो मैंने मटन लिया, उसको अच्छे से धो के प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया। साथ ही इसके अंदर मैं 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट ऊपर मेंशन है, सब कुछ आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद जी, 1 प्याज, 2 से 3 टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक, साबुत, ये सारी साबुत चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने नमक डाल के तो प्रेशर लगा दिया था 1/2 घंटे के लिए, और गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब इसका मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए जी, 1 कप मैंने ऑयल लिया है, पतीली के अंदर 1 कप ऑयल लें। साथ ही इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की प्याज और जूलियन अदरक कटा हुआ है, 2 टेबल स्पून भर के जूलियन अदरक के हैं, बारीक बारीक अदरक काट लें, वो डाल दिया है। इनको हम ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। साथ ही इसके अंदर तेज़पत्ता 2 से 3 मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, लाइट सा कलर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, इससे चावल ना बहुत काले बन जाते हैं। तो ये परफेक्ट कलर है। अब इसके अंदर जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे गोश्त को। अब जी, इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया मैंने, लाल मिर्च का पाउडर है और धनिया पाउडर है, ठीक है, ये ऐड करके साथ ही जो यखनी बची थी ना वो ऐड करती है। यखनी को मैंने ड्रेन कर लिया था ताकि साबुत मसाला जो है ना वो सारा निकल जाए। उसके बाद चावल 1 किलो मैंने भिगो के रखे हुए थे, बासमती राइस हैं, 1/2 घंटा पहले भिगोए थे, वो चावल ऐड कर देंगे। और जितना अगर एक्स्ट्रा पानी हमें थोड़ा डालना पड़े ना तो वो डाल देना है हमने, ठीक है जी। उसके बाद ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, हल्के हाथ से इसको हिला लेंगे। जो मसाले हैं ना, नमक मिर्चें वगैरह, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं तो इसलिए मैंने जो लाल मिर्च है ना वो थोड़ी डाली थी। तो जी बस जी, अब ये दम पे आ गया है, थोड़ा सा बस इसमें हल्का हल्का पानी है, तो मैंने ऊपर फूड कलर ऐड किया है और हरी मिर्चें ऐड की हैं मैंने। यहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल या बटर, जो कुछ भी है ना वो आप ऊपर डाल दें, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे। दम को 20 मिनट हो गए हैं जी। अब हाँ, क्या खुशबूएँ आ रही हैं, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना पुलाव की। अच्छे से हिलाएँगे, हल्के हाथ से हिलाइए और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। बस जी, गरम गरम ये पुलाव खाएं, साथ में सैलेड हो, मज़ा आ जाएगा, इतना मज़े का, इतना खुशबूदार बने ना। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? होपफुली आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जी वीडियो देखने के लिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।